नमस्कार, श्रीमद् भागवत महापुराण में आपका स्वागत है। जिस समय रावण मरणासन अवस्था में था, उस समय भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि संसार से नीति, राजनीति और शक्ति का महान पंडित विदा ले रहा है। तुम उसके पास जाओ और उससे जीवन की कुछ ऐसी शिक्षा ले लो जो और कोई नहीं दे सकता। श्री राम की बात मानकर लक्ष्मण मरणासन अवस्था में पड़े रावण के सिर के नजदीक जाकर खड़े हो गए। रावण ने कुछ नहीं कहा। लक्ष्मण जी वापस राम जी के पास लौटकर आए, तब भगवान ने कहा कि यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों के पास खड़े होना चाहिए, ना कि सिर की ओर। यह बात सुनकर लक्ष्मण जाकर रावण के पैरों की ओर खड़े हो गए। उस समय महान पंडित रावण ने लक्ष्मण को तीन बातें बताई जो जीवन में सफलता की कुंजी है। पहली बात जो रावण ने लक्ष्मण को बताई वह यह थी कि शुभ कार्य जितनी जल्दी हो कर डालना और अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। मैं श्री राम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने में देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई है। दूसरी बात यह कि अपने प्रतिद्वंदी, अपने शत्रु को कभी अपने से छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं यह भूल कर गया, मैंने जिन्हें साधारण वानर और भालू समझा उन्होंने मेरी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। मैंने जब ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था तब मनुष्य और वानर के अतिरिक्त कोई मेरा वध न कर सके ऐसा कहा था, क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। मेरी गलती हुई। रावण ने लक्ष्मण को तीसरी और अंतिम बात यह बताई कि अपने जीवन का कोई राज हो तो उसे किसी को भी नहीं बताना चाहिए। यहां भी मैं चूक गया क्योंकि विभीषण मेरी मृत्यु का राज जानता था। यह मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। धन्यवाद। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए।